अस्सलाम वालेकुम अब हमने ये तो समझ लिया कि कंज्यूमर बायर भी कंज्यूमर uh, का क्या मतलब के uh, क्या कौन होता है कस्टमर कौन होता है इनका बिहेवियर क्या होता है अब कंज्यूमर मार्केट क्या कंज्यूमर मार्केट वो तमाम इंडिविजुअल्स वो तमाम ग्रुप्स या हु परचेज हु बाय और एक योर प्रोडक्ट आपका गुड्स या सर्विसेज वो लेते हैं फॉर द पर्सनल कंजप्शन आर नोन एज इज़ नोन एज द कंज्यूमर मार्केट

अपने कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर समझना इज़ नॉट ईजी बिकॉज द माइंड ऑफ अ ह्यूमन अ माइंड ऑफ अ कंज्यूमर इज़ जम इज़ स्वर्लिंग मैस ऑफ न्यूरस बाउंसिंग अराउंड उसमें बहुत कुछ चल रहा होता है कंज्यूमर को बहुत डिसीजंस लेने होते हैं रोज़ बरोज़ अबाउट विच प्रोडक्ट टू यूज़ फलानी चीज़ के लिए क्या लेना है फ़लानी चीज़ के लिए क्या लेना है उसके दिमाग में बहुत एडवर्टाइजिंग्स एडवर्टीजमेंट्स चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग जो एफर्ट्स uh, चल रही होती हैं उनकी झलकियाँ जा रही होती हैं सो द कंज्यूमर माइंड इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड टू इंटरप्रेट जो अभी मैंने आपको पीछे कंज्यूमर बिहेवियर का बताया था अगर जिसमें हम देखते हैं कि जो मार्केट ईयर है वो रिसर्च कर रहा होता है कंटिन्यूसली के क्या खरीद हमारा कंज्यूमर क्या ख़रीद रहा है कहाँ से ख़रीद रहा है क्यों खरीद रहा है कैसे खरीद रहा है कितना खरीद रहा है सेक्टर एडसेक्टर एडसेक्ट्रा ये वो चीज़ है ये ये एक ऐसा मॉडल है कि हमें बताता है कि कंज्यूमर का स्टेट क्या वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड स्टेट ऑफ द कंज्यूमर कैसे शेप अप होता है उसकी क्या क्या चीज़ें uh, हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं उसके डिसीजंस को उसके बिहेवियर को <laughs> ये मॉडल जो है ये दिस मॉडल जो दिस मॉडल सेज दैट देयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये एक हो गया ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये आप देख सकते हैं दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं विच ना विच इंक्लूड्स नॉट ओनली दर्गेनाइज विच नॉट ओनली इंक्लूड्स द कंज्यूमर और द कस्टमर बट इट ऑल्सो इन्क्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशन इसमें ना सिर्फ कंज्यूमर और कस्टमर बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दे रही होती है ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही होती है देन ये इन्वायरमेंट में एक तो ये चीज़ आ गई ना इसमें साथ साथ आप देख सेंगे मार्केटिंग स्टमिलाय इट कंसिस्ट ऑफ दिस मार्केटिंग स्टूमुललाई विच इज़ द फोर पीस जो हम पहले पढ़ चुके हैं विच इज़ प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन दिस दिस स्टमिलाई इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इन्वायरमेंट ये इन्वायरमेंट में है ये इफेक्ट कर रहा है वन दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं इन इन एन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन के अलावा अदर्स भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं विच आर इकनॉमिक टेक्नोलॉजिकल सोशल एंड कल्चरल जिनको आपको समझना होता है जब ये सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं दे गो टू द ब्लैक बॉक्स ब्लैक बॉक्स मतलब माइंड ऑफ द कंज्यूमर ये जो ब्लैक बॉक्स है, जब ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ब्लैक बॉक्स में जाते हैं माइंड में जाते हैं कंज्यूमर के ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बायर्स करेक्टरिस्टिक्स उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड डिसीजन प्रोसेस ये इन दो चीज़ों पर जब ये उसके जाते हैं इनकी बेसिस पर कुछ रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं वेन दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स गोज टू द टूवर्ड्स द बायर्स ब्लैक बॉक्स देन उसके अपने करेक्टरिस्टिक्स कि बायर का क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके कल्चर क्या है उसके सोशल वैल्यूज एटसेकटर एसट्रा उनके बाद उसका डिसीजन प्रोसेस क्या है उसके बाद एक बायर का रिस्पांस बनता है वो रिस्पांस क्या होता है कि उसके एटीट्यूड उसकी प्रेफरेंस परचेजिंग बिहेवियर क्या है कि बाय क्या ख़रीदता है कैसे खरीदता है बट वट

जो मार्केटिंग एफर्ट्स ले रही होती है उस पर कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्स करता है इज नोन एज द इज ऑल अबाउट दिस डू यू से मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इन दिस ब्लैक बॉक्स ये ब्लैक बॉक्स में इज एक्चुअली वॉट बायर इज ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन अबाउट द परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स तो हमने इसमें बेसिकली ये करना था वी हैव टू स्टडी अबाउट टू मेक अ परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट उसको लाना के यू हैव टू परचेज आर प्रोडक्ट ऑफ सर्विस सो दिस हेल्प्स इन इट जो बायर का करेक्टरिस्टिक्स है इट नॉट ओनली इन्फ्लुएंस हाउ ही और शी इज गोइंग टू परसीव और रिएक्ट टू दि स्टिमलाई ठीक है द बायो डिसीजन प्रोसेस इट्स सेल्फ इफेक्ट्स हिज हर बिहेवियर इफ़ेक्ट करता है उसके बिहेवियर को